मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। 10 अक्टूबर करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक दुखद खबर सुनाई। खबर ये कि मुलायम सिंह यादव चल बसे। लोगों ने नेताजी के निधन पर शोक जताया। मंगलवार को नेताजी की अंतिम विदाई दी गई। विदाई में मुलायम सिंह यादव को आखिरी बार देखने पर हर कोई शोकग्रसित था। किसी की चाल लड़खड़ा गई तो किसी के आंसू नहीं थमे। नेताजी की बहू डिम्पल यादव सबके बीच गहरे शोक में डूबी हुई दिखी। तस्वीरों में देखा गया कि डिम्पल फूट फूट कर रोते हुए दिख रही हैं। लोगों की इतनी भीड़ के बीच भी डिम्पल अपने ससुर के जाने के गम में खोई हुई पाई गई। वीडियोस में देखा गया कि कभी कोई उनका ढांढस बांध रहा है तो कभी वो किसी को सांत्वना देती नजर आई। अपने सिर पर पिता तुल्य ससुर का हाथ हमेशा के लिए हट जाना डिम्पल के लिए एक असहनीय घटना थी। डिम्पल का दर्द तस्वीरों से साफ झलक रहा था। दुख की घड़ी में तो दुश्मन भी साथ खड़ा देखा गया है। ऐसे में भाजपा सांसद वरुण गांधी भी अखिलेश यादव को गले लगाते नजर आए। दूसरी पार्टी के होने के बावजूद भी वरुण गांधी नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। वैसे तो ये दोनों अलग अलग पार्टियों से आने वाले नेता हैं, फिर भी दुख की घड़ी में अखिलेश को डूबा देख वो उन्हें संभालते हुए गले लगाते हुए नजर आए। पूर्व सांसद रहे धर्मेंद्र यादव भी नेताजी को श्रद्धांजलि देते नजर आए। धर्मेंद्र यादव के रोते हुए वीडियो सामने आए हैं। फूट फूट कर वो रोते रहे। अंतिम दर्शन के लिए जब मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव आए तो वो बेहद भावुक नजर आए। यहाँ तक कि उन्हें दो लोग सहारा देते हुए लाते नजर आए। आजम खान ने भी जब नेताजी के अंतिम दर्शन किए तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उनके कदम नेताजी को देख लड़खड़ा गए। उन्हें लोग सहारा देते नजर आए। अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव उन्हें संभालते दिखे।